किंगडम क्या है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। एक मिलता बीच में शुरू करते हैं क्या
इमीडिएटली क्या करते हैं, मेट्रिक करते हैं। और मेट्रिक निश्चित ये वाला भाग क्या कहलाता है, मीटर लीव कहलाता है। और ये जो दिखाई दे रही है क्या करते हैं, ग्रुप्स करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप्स। और ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, नाश कहलाता है। ठीक है, ग्रुप्स मतलब क्या होता है, चिचने गड्ढे। और बीच में जो होते हैं क्या कहलाता है, मिडरी। और ये जहाँ ग्रोथ करता है वहां क्या कहलाता है, एपिकल नाश। और एपिकल नाश को कैसे सेल्स पाए जाते हैं, मेरिस्टम मैट्रिकल सेल्स जो लगातार क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्लियर। दूसरा क्या था, वेंट्रल सर्फेस। तो वेंट्रल सर्फेस का भी अभी बता दिया था कि वेंट्रल सर्फेस पर क्या पाए जाते हैं भैया, यूनिसोलर्स। क्या पाए जाते हैं, यूनिसोलर्स राइगॉइड्स। क्या पाए जाते हैं, यूनिसोलर राइगॉइड्स। और किस यूनिसोलर राइगॉइड्स के बगल में क्या पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, स्केल्स। ये आपको दिखाई देंगे मल्टी सेलर। क्या दिखाई देंगे, मल्टी सेलर स्केल्स दिखाई देंगे, मल्टी सेलर स्केल्स दिखाई देंगे। ठीक है, और ये आपको क्या दिखाई देगा, यूनिसेलर, यूनिसेलर राइजॉइड दिखाई देंगे। अब राइजॉइड्स कितने टाइप होते हैं भैया, टू टाइप्स। राइजॉइड्स कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पारा राइजॉइड्स कैसा होता है, स्मूथ वॉल। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ट्यूबर ग्रेन। राइजॉइड्स टू टाइप्स होंगे, एक हो जाएगा स्मूथ वॉल। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ट्यूबर ग्रेन। ये हो जाएगा ट्यूबर ग्रेन राइजॉइड्स, जैसे होंगे ट्यूबर ग्रेन। ये हो जाएगा स्मूथ वॉल, स्मूथ वॉल। और ये क्या हो जाएगा आपका, ट्यूबर ग्रेन। क्या हो जाएगा, ट्यूबर ग्रेन राइजॉइड्स। ठीक है, दिक्कत नहीं ना। और ये कैसा स्ट्रक्चर है भैया, कैसा होता है, ये हो गया। अब बात आगे किसकी भैया, अगला बात किसकी है, आप देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है आपका, स्केल। स्केल का डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके का डायग्राम होता है स्केल का। ऐसे मल्टी सेलर का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमने परिभाव बनाया है ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी का नाम होता है स्केल्स। ये मल्टी सेलर होते हैं, लीफ लाइक कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम क्या होता है, स्केल्स। इसका कलर कैसा होता है भैया, वायलेट कलर होता है। कैसा कलर होता है, वायलेट कलर होता है। इसका नाम है स्केल्स। और कलर कैसा होता है, वायलेट। वायलेट कलर क्यों होता है, एल्थ्रोसायनिन पिगमेंट की वजह। ये हो गया दिक्कत, एल्थ्रोसायनिन पिगमेंट से कलर कैसा होता है, वायलेट कलर होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्केल्स का मेन फंक्शन क्या होता है भैया, सिलेक्शन ऑफ एपिकल नाश। दिक्कत नहीं ना। अब इसी को आप प्रॉपर एक बार डायग्राम में यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ऐसे। इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जान लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रोजेट से। क्या कहते हैं, रोजेट से। रोजेट से का क्या मतलब है, रोजेट से का मतलब ये है, इसका आपको समझेगा कि जहां पर इसका थैलस होता है, जो थैलस होता है, थैलस कॉन्टिन्यूअस ऐसे डिवाइड करता है। क्या जाना है, कॉन्टिन्यूअस ऐसे डिवाइड करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोजेट से। क्या कहते हैं, रोजेट से। तो हमेशा रिक्शिया इसी शेप में पाया जाता है, रोजेट से। स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिक्शिया क्या होता है, हमेशा हमेशा जब आप रिक्शिया देखेंगे इसी रोजेट से क्या होगा, पहले होगा ये इसका क्या है, टेलस। क्या है, टेलस। क्या है इसका, ये क्या है, टेलस। क्योंकि पर ये थैले स्ट्रक्चर का इसी प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पर इसका ये ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे नॉर्मल है। और देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है डार्क सरफेस, जिसमें बीच में क्या दिखा है, और ग्रुप्स भी है। और यहाँ पर क्या है, वेंट्रल सर्फेस पर क्या है, राइजॉइड्स। और यहाँ पर क्या है, स्केल्स। और बीच में यहाँ पर क्या होगा, एपिकल नाश। क्या होगा, मेडल। बात समझ आएगी। और भी दिखाते हैं इस डायग्राम में क्या कहा था, ये देख रहे हैं यहाँ पर एक कैसा सेप है, सेप कैसा है, रोजेट से। देख रहे हैं पूरा पूरा थैलस का सेप कैसा है, रोजेट से। ठीक है, और ये इसका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये इसका फोटोसिंथेटिक पिक्चर है। नीचे क्या है,
स्टोरेज एरिया है, क्या है स्टोरेज एरिया है ना। और यहाँ पर एक और आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आपको आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एकल मास, ये आपका क्या है पहला स्लोप है, यहाँ नीचे क्या दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसी रिक्शा के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, जब वो रिप्रोडक्शन कर लेता है तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनता है स्पोरोफाइट, वो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट, बस नहीं बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या बहता है कैप्सूल बहता, क्या बहता है कैप्सूल, फूड एंड सीका क्या होता है अपसेट होता है, इसके स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या बहता है कैप्सूल बहता है, समझ गए आ रहा है। तो ये है रिक्शिया, तो रिक्शिया का डायग्राम आपको ऐसे देखने को मिलता है, बात नहीं करते हैं। ये मछली ब्रांचिंग होती है, डिवीजन अंतरांत कैसे होता है, ये हो गया इसका फैलस, और फैलस में जब हम देखेंगे किसके सारे स्पेसिस कहाँ पाए थे साइडियन वाइस प्लेसिस पर, लेकिन एक स्पेसिस है जो कहाँ पाया जाता है, हाँ एक बेटी बताओ उसका नाम क्या है रिक्शिया, प्रजाओ नाम है। और रिक्शिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है डार्सिमेंटल होता है, और इसके डार्सल सरफेस पर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कौन कौन से मिलरी और क्या पाता है ग्लूट्स, और ऊपर क्या पाता है एक्टल नॉच, और इसके वेंट्रल सरफेस पर वेंट्रल सरफेस पर भी दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्या क्या आपको एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।